अस्सलाम वालेकुम। मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ। और जैसे बड़ों को भी या छोटे बच्चों को भी मोशन वगैरह हो जाते हैं या छोटे बच्चों को खाना जैसे खिलाना होता है तो ये उनको खिचड़ी बना के दे दें। और मिर्चे वाली जैसे थोड़ी स्पाइसी हो, इतनी तेज़ भी ना हो। मूंग की दाल और चावल है और ये मैंने भिगो के रखे थे अब। और अदरक लहसुन है, हरी मिर्च है और 1 टेबल 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ले लिया है और 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। और ये प्याज है ना तली हुई रखी हुई थी तो ये थोड़ी सी ले ली है। हल्दी और नमक और ये गरम मसाला है और सूखा हुआ पुदीना। तो ये हमारा तो ये घी में मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी, इसलिए कि वो तो ये देखें मैंने गरम मसाला डाल दिया है घी में। और इसके बाद और ये हरी मिर्च मैंने 1 या 2 लिए छोटी वाली, इसलिए कि वो तेज़ होती है। और ये देखिए मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है दोनों आए हैं। तो ये डाल दी है इसलिए कि तो ये प्याज हमारी फ्राई है। अब हल्दी डालेंगे और ये नमक है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली थी तो ये डाल दी है। अब 1 अदद मैंने टमाटर लिए हैं कि थोड़े टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर तो वो खुद ही अपना नरम हो जाएंगे। थोड़ा सा अपना पानी छोड़कर ही उसमें नरम हो जाएंगे टमाटर। और ये देखें प्याज पानी हमने डाल दिया है, 1 गिलास पानी लिया है। आपकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से लें, इसलिए कि वो नरम हो जाएंगे ज़्यादा आपने पानी ले लिया तो। अब ये देखें 1 टीस्पून चिकन 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दिया है। और अभी हम चावल डालेंगे और चावल के बाद हमें जैसे पानी का जैसे कम लगा इशू हुआ कि ज़्यादा डालना है या कम, तो हम थोड़े चावल से ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे इसलिए कि चले। अब ये देखें पानी में बबल्स आ रहे हैं तो हम ये डालेंगे, चावल डालेंगे। यह हमारी खिचड़ी है। खिचड़ी बहुत सारे स्टाइलों में बनती है, जीरे वाली भी बनती है और हम ये टमाटर वाली बनती है, इसलिए कि टेस्ट वाइज अच्छी होनी चाहिए। खिचड़ी जो जीरे वाली होती है वो ज़्यादातर बहुत कम। ये देखें हमने गरम मसाला डाल दिया है और खिचड़ी बहुत सारे स्टाइल में बनती है, जैसे जीरे वाली भी, सादी भी, उनके साथ कीमा आलू होना चाहिए, चटनी वगैरह होनी चाहिए। तो हम आज टमाटर वाली बना रही है इसलिए कि मरीज़ बसानी खा ले, ये छोटे बच्चे खा ले टमाटरों में ये है। पानी देखिए रिड्यूस हो गया है और अब देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं तो अब हम दम पे रखेंगे इसको। तेज आंच पे हमने करे, अब हल्की आंच पे दम पर छोड़ेंगे। ये देखिए हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है और अभी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। और जैसे किसी को मोशन वगैरह हो रहे हैं तो इसको और पानी डाल के और नरम कर लें कि आसानी खा लें। ये देखें ये हमारी तैयार हो गई है और ये प्याज हमारी फ्राई प्याज क्या मम्मी ये आप फ्राई प्याज है या फ्राई प्याज भी डालें और आप अचार के साथ भी खा सकते हैं, इसलिए कि वो क्या नाम है मोशन वगैरह हो तो कोई मसला नहीं है, आप खा सकते हैं। और जैसे छोटे बच्चों को भी ये खिला दें, इसलिए कि मिर्चे वाले इतने नहीं होते हैं, आप 1 या 2 मिर्चे डालें और छोटे बच्चों को आसानी खा लेंगे, इसलिए कि आप शुरू से उनको आदत डालें मिर्चे की। तो बच्चों को भी खिला दें तो अच्छी लगेगी। और अल्लाह हाफिज़।